हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आगास। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं सीएए को लेकर के, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि आया था 4-5 साल पहले। तो इसमें इस समय बहुत वाद विवाद चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के तहत वो मतलब दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो उसी को लेकर के आज के इस वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं कि क्या है फैक्ट, मतलब असल में सीएए क्या है या किसको जो है दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कर देना या मुस्लिमों को इसे जो है निगलेक्ट कर देना, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है NRC, नेशनल रजिस्टर सिटीजन को लेकर के। तो ये कुछ 2-4-5 मुद्दे हैं, तो उनका हम एक संवैधानिक पहलू भी देखेंगे और क्या वर्तमान में बातें हैं या वर्तमान में क्या प्रावधान हैं उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो नागरिकता से संबंधित सभी नियम कायदे कानून हैं वह हमारा भाग, यानी कि आपका देखेंगे अनुच्छेद और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वर्णित किया गया या दिया गया या उल्लेख किया गया है। तो उसमें किसको नागरिकता दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, पूरा प्रोसेस जो है आप उठा करके देख भी सकते हैं लक्ष्मीकांत की बुक में, ये अच्छे से दिया हुआ है, मिल जाएगा एक एक चीज़, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये मतलब नागरिकता देने का प्रावधान हुआ क्यों, कैसे, मतलब जब हम लोग भैया यहीं के हैं तो फिर हमें क्यों मतलब नागरिकता दी जा रही है, कैसे दिया जा रहा है, क्या हम जो है कहीं और से आए हुए हैं या किस वजह से ये प्रावधान किया गया था। तो आपको हम बता दें, ये जो प्रावधान है ये तो मिल जाएगा आपको अनुच्छेद में। बाकी अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसे किसे नागरिकता दी जाएगी इसके बारे में उल्लेख किया गया है और कैसे दिया जाएगा इसका भी बाकायदा वर्णन किया गया, ये भी आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। तो असल में हुआ गया कि जब भारत आज़ाद हुआ या भारत का विभाजन हुआ तो उस समय नेहरू लियाकत एक समझौता हुआ था, ठीक है। नेहरू लियाकत का मतलब हमारे यहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि पाकिस्तान के लियाकत, तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था कि भैया आप अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, संरक्षण करेंगे, और हम अपने यहाँ के जो है अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, संरक्षण करेंगे। और इसी चीज़ को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद हो रहा है। अगर हम इसका मूल बिंदु देखें या बेस देखें तो यही चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जो इस समय वाद विवाद हो रहा है सीए को लेकर के, इसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इसी समझौते के हनन के कारण हो रहा है कि भैया ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं हुई या हमारे पड़ोसी देशों में नहीं अपनाई गई, इसलिए ये चीज़ें निकल करके आ रही। अगर पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का ध्यान देता, संरक्षण करता, उनका ख्याल करता, तो आज ये नौबत आते ही नहीं कि उनके यहाँ के लोगों को अपने यहाँ हम नागरिकता देते या जो है उनको नागरिकता अधिनियम के तहत लेकर के आते। तो पहली चीज़ ये हो गई कि नेहरू लियाकत इसका जो है बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि 1955 का जो अधिनियम था उसका जो संशोधन किया गया था उसके तहत 1986, 1992 और 2003 और 2005 इसके बीच में गोवा, दमन दीप, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ के लोगों को भी क्या किया गया था, नागरिकता दिया गया था। ये थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो हो गया ये भैया संवैधानिक पहलू, नियम कायदे कानून आप जानेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, जैसे कि मुस्लिमों की नागरिकता का खतरा है कि भैया मुस्लिमों को जो है नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा या उनको बाहर खदेड़ दिया जाएगा या पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या मतलब निकल करके आ रही है या लोगों के द्वारा बताई जा रही है, मतलब अपने रैलियों में, अपने संबोधनों में खासकर ये आप देखेंगे, तो आई थिंक केजरीवाल के द्वारा ये बताया गया था, सीएम केजरीवाल दिल्ली के जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है आप दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ अगर आप नागरिकता देंगे तो उससे अव्यवस्था फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, अपराध होंगे, कानून व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, है ना, फलाना ढमकानी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको हम यह सुनिश्चित करा देना चाहते हैं कि ये भैया बुला करके या उनके जो है यहाँ जा करके नागरिकता नहीं दी जा रही है, ये उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जा रही है जो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कब से कब के बीच में, यानी कि किस डेट के लिए दिया जा रहा है, तो 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग आ चुके हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से
और जो है आपके बांग्लादेश से, इन तीनों देशों से हमारे जितने भी अल्पसंख्यक, मतलब उनके यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, और कौन कौन से अल्पसंख्यक हैं, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है और पारसी हैं, ये लोग जो मतलब अपने पड़ोसी देशों के यहाँ यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके यहाँ या के यहाँ ये अल्पसंख्यक है। तो ये लोग जो कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, इन्हीं लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, जो अभी हाल में फिर से मतलब लाया गया और पारित किया गया और ये लागू हो चुका है, इसके तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये फैक्ट आपको नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो नया आ रहा है और बुला करके या जो है किसी को भी नागरिकता दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान देना। तीसरी चीज़ है जो कि मतलब र्यूमर फैलाया जा रहा है कि भैया जो तीन लोग हैं, एक बंगाल है, तमिलनाडु और केरल है, ये कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में मतलब अपने रैलियों में किसी भी हालत में अपने यहाँ CA को लागू नहीं होने देंगे। ये बड़ा ही हास्यास्पद विषय या बड़ा ही हास्यास्पद जो है इनका भाषण है या कथन है, उनको समझ नहीं है या उनको पता नहीं है, जो उनका मतलब भाषण थोड़ा लिखता है उसको ध्यान नहीं आया होगा कि भैया नागरिकता देना, लेना, छीनना, प्रदान करना, ये पूरा पूरा नियम कायदा कानून प्रावधान, इस सब का जिम्मेदार कौन है, ये केंद्र सरकार होती है, यानी कि ये केंद्र सूची का विषय है, ये पता ही नहीं है। तो भैया चाहे तुम करो ना करो, तुम्हारे यहाँ लागू होना ही होना है, क्योंकि ये सेंट्रल जो है लिस्ट की बात आती है, ठीक है, ये मतलब ध्यान रखिएगा, तो चाहे कोई करे या ना करे। अच्छा, एक और बात है, कौन सी बात है कि भैया NRC के तहत जो है क्या कहते हैं, मुस्लिमों को दरकिनार कर दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा या उनको शामिल नहीं किया जाएगा या किसी भी तरीके से उनको जो है भारत के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ, या जो है मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो भैया पहली चीज़ ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CA से संबंधित NRC एकदम अलग है। NRC जो है प्रावधान जो होता है कि भैया उसमें हमारे यहाँ कौन कौन से लोग हैं उनको ये बताता है कि कौन कौन से सिटीजन्स हैं या कौन कौन से नागरिक हैं, ठीक है। और CA क्या है या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या, ये प्रदान कर रहा है, क्या प्रदान कर रहा है, नागरिकता प्रदान कर रहा है। अब ये NRC एकदम अलग बात है कि भैया ये कब लागू होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो एकदम से अलग है, उसका कोई अभी तक मतलब नामो उल्लेख भी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप ऐसा कुछ करते भी हैं तो मतलब आपके क्या कहते हैं, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन करने के लिए आपको सभी राज्यों का अनुमति लेना पड़ेगा, जिसे कहते हैं विशेष बहुमत, ठीक है। तो ये मतलब कुछ आपको हमने फैक्ट बताए हैं। तो ये रहा आज का हमारा थोड़ा छोटा वीडियो, और ब्रीफली हमें लगता है कि आपको नागरिकता के बारे में और CA के बारे में और हो रहे कुछ दुष्प्रचारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।